फाइनली लावा ने लावा विलेज 2 5G को इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया है और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मिस्टेक बताने वाले हैं जो आपको लेने से पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस की। अब यहाँ पे 4G का रैम 64GB का स्टोरेज जिसका प्राइस रखा गया 10,000 और वहीं 6GB का रैम 128GB का स्टोरेज जिसका प्राइस रखा गया 11,000। बात करते हैं इसकी मिस्टेक अब वो मेरे को लगा इस फोन के डिस्प्ले में। अब यहाँ पे 6.5 इंच का पंच होल स्क्रीन देखने को मिल जाता है। अच्छी बात है 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले में कॉस्ट कटिंग किया है। यहाँ पे आपको HD+ स्क्रीन दिया है, डिस्प्ले उतना साफ देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे मीडियाटेक का 6020 का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि डबल 5G सिम को सपोर्ट करता है। और इस फोन का सबसे हाईलाइट फीचर है यहाँ पे आपको 9 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं 10,000 के रेंज में। वहीं साइड में ही फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, वहीं 5000mAh का बैटरी और 18W का चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा आपको डिजाइन अच्छा देखने को मिल जाता है और 10,000 की रेंज में 5G फोन बना दिया है। अगर आपका बजट 10,000 है और आपको एक इंडियन ब्रांड का ही फोन लेना है तो डेफिनेटली आप इस फोन को ले सकते हो।